हाय फ्रेंड्स, मैं बी एस के विद्यासागर सिंह और आप देख रहे हैं बी एस के विद्यासागर सिंह गुप्ता चैनल। आज मेरे तरफ से सबको हैप्पी न्यू ईयर की बधाइयाँ। आपके और आपके परिवार का दिन मंगलमय हो और ये साल आपके लिए बहुत खास हो। तो आज ये वीडियो को पूरा देखिए, तभी ये वीडियो का मतलब समझ में आएगा। और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाया जा रहा है, तो इसको देखिए। हम इस वीडियो में हम बताए हैं अर्थ भेद के बारे में। अर्थ भेद यानी सूक्ष्म अंतर वाले शब्द, माने बहुत कम अंतर वाले। कहने का एक ही अर्थ होता है लेकिन थोड़ा अंतर रहता है। तो देखिए, पहला है हमारा अपराध और पाप के बारे में। तो अपराध और पाप बताएंगे, तो अपराध क्या है और पाप क्या है, अपराध और पाप में अंतर क्या है, तो अपराध पाप के बारे में समझेंगे सबसे पहले। तो देखिए, ऐसे कार्य जो कानून के विरुद्ध हो उसे अपराध कहते हैं। जो कानून के विरुद्ध होगा उसे अपराध कहते हैं। जैसे बिहार में शराबबंदी हो गया है, अगर लोग शराब बेचे तो अपराध कर रहे हैं। पाप, ऐसे कार्य जो धर्म के विरुद्ध हो, बुरे विचार मन में उठते हों, तो वह पाप है। जैसे में कोई मांस खाता है तो पाप कर रहा है, क्योंकि धर्म में मांस खाने की तुलना नहीं की है, इसलिए वो पाप है। तो अपराध और पाप में अंतर समझ लिया मैंने। अब समझेंगे अस्त्र और शस्त्र में। तो हमारा अस्त्र क्या है और शस्त्र क्या है। अस्त्र और शस्त्र को समझने के लिए हम जानेंगे सबसे पहले, बस छोटी से अंतर है जान लीजिए। अस्त्र किसे कहते हैं? अस्त्र वह हथियार है जिसे फेंक कर चलाया जाता है, जिसे फेंक कर या मार कर चलाया जाता है। कहने का मतलब जिसे फेंक कर एक स्थान से दूसरे स्थान फेंक कर चलाया जाता है, उसे अस्त्र कहते हैं। जैसे में जैसे तीर धनुष बाण चाहे पत्थर, मांग चलिए पत्थर के रूप में, पत्थर को भी एक हथियार के रूप में आदमी इस्तेमाल करते हैं, या गोली भी बंदूक भी हो जाएगा क्योंकि चला के मारते हैं, गोली जाता है और मारता है। तीर धनुष भी, तीर जाता है और धनुष तो आप ऐसे पकड़े रहेंगे और दूसरे को बाण में लगेगा। तीसरा हम बताएंगे उपहार और भेंट। उपहार और भेंट का अर्थ क्या है, उपहार और भेंट में अंतर क्या है, तो समझिए सबसे पहले। हाँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, और इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो हम बात कर रहे हैं उपहार और भेंट के बारे में। आदर्श पूर्वक जो पदार्थ अपने बराबर वाले किसी विशेष अवसर पर दिया जाता है उसे उपहार कहते हैं। ऐसे किसी का बर्थडे हो या किसी का कोई घर में फंक्शन हो, चाहे कुछ विशेष दिन हो उसके शुभ अवसर पर, जैसे 1 जनवरी है आज, तो आज किसी का हम देंगे गिफ्ट तो उसको उपहार बोलेंगे। और भेंट किसे कहते हैं? अपने से बड़े सम्मान जनितों को दिए जाने वाले उपहार को भेंट कहते हैं। जैसे गुलदस्ता हम देते हैं तो अपने से बड़े लोगों को देते हैं, जैसे मांग चली है मेरे से बड़े कोई हैं तो उनको मैं कुछ भी देंगे, कोई भी पदार्थ देंगे तो उसको आप बोलेंगे भेंट। चौथा जानेंगे आयु और अवस्था के बारे में। आयु और अवस्था, कहने का मतलब थोड़ा तो एक ही है लेकिन इसमें थोड़ा अंतर है, तो इसी अंतर को हम समझेंगे सबसे पहले। आयु और अवस्था में क्या अंतर है? जब से मनुष्य जन्मता है तब से लेकर उसकी मृत्यु तक के समय को आयु कहते हैं। जब से जन्म लिया और जब तक नहीं मरेगा, यानी मर जाएगा मान के चलिए, लास्ट तक या शुरू से लेकर लास्ट तक के आयु माने सीमा को, माने समय को आयु कहते हैं। और अवस्था किसे कहते हैं? जो जीवन बीत चुका है उसे अवस्था कहते हैं। ऐसे बाल अवस्था, जो बालक का जीवन बीत गया है बाल अवस्था, जैसे किशोर अवस्था, जैसे किशोर जैसे हम लोग हैं तो किशोर अवस्था बीत जाएगा, तो किशोर अवस्था माने बीत जाएगा, तो वो अवस्था है। नारी और महिला, नारी और महिला में अंतर क्या है? तो नारी उसे कहते हैं, देखिए मनुष्य जाति की सभी महिलाएं को नारी शब्द का प्रयोग किया जाता है। नारी उसे कहेंगे जो मनुष्य जाति का है, मनुष्य जाति का जो भी हो है नारी उसे कहेंगे। महिला किसे कहते हैं? भले घर की स्त्री की महिला शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो भले घर की स्त्री होती है उनके लिए महिला शब्द का उपयोग किया जाता है। पांचवा जानेंगे, और हाँ इसी में जान लीजिए पत्नी किसे कहते हैं। विवाहित स्त्री को पत्नी अर्धांगिनी कहा जाता है। तो आगे देखिए छठवा, मृत्यु और निधन के बारे में।
मृत्यु और निधन कहने का मतलब एक ही है, बस छोटी सी अंतर है, उसी अंतर को हम जान लेंगे। मृत्यु मानव जीवन का अंत होना मृत्यु है। मानव जीवन का अगर अंत हो गया, समझ लिए मानव का मृत्यु हो गया, तो मानव जीवन का अंत होना मृत्यु है। और निधन, निधन हमारा क्या है, निधन किसे कहेंगे, तो निधन हम समझिए निधन किसे कहते हैं। निधन सामान्य लोगों की मृत्यु पर प्रयुक्त होता है। निधन जिसे जो सम्मान पूर्वक है, मतलब सम्मान देने लायक हैं, जो पुरुष सम्मान लायक हैं, इसे में महात्मा गांधी, तो उनका निधन हुआ है। इसे में भीमराव अम्बेडकर, इनका भी निधन हुआ, मृत्यु नहीं हुआ है, निधन, सम्मान जनित है, जो सम्मानित करने वाले हैं, तो निधन कहते हैं। भाषण और अभिभाषण, सत्ता बताएंगे भाषण और अभिभाषण के बारे में। भाषण और अभिभाषण में क्या अंतर है, तो देखिए भाषण हम उसे कहते हैं, समूह में अपने विचारों एवं उद्गारों को व्यक्त करने का भाषण कहलाता है। समूह में कोई भी हम बात अपनी रखेंगे तो उसे हम भाषण कहेंगे। और अभिभाषण, विशेष अवसर पर बोले जाने वाले भाषण को अभिभाषण कहा जाता है। विशेष अवसर, किसी खास दिन पर, ऐसे मांग चलिए कोई बर्थडे हो या कोई खास दिन हो, उस पर हम बोलेंगे तो अभिभाषण। इसे मोदी जी इलेक्शन के समय बोलते हैं तो भाषण ही हुआ। किसी खास दिन इंडिपेंडेंस डे बोलेंगे, यानी स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर, तो वो हो जाएगा अभिभाषण। तो देखिए सभापति और अध्यक्ष, लास्ट जानेंगे अठवा, यानी सभापति और अध्यक्ष के बारे में। सभापति किसे कहते हैं जानिए, किसी भी सभा का संचालन करने के लिए उपस्थित समूहों में से किसी एक योग्य व्यक्ति को चुना जाता है, उसे सभापति कहते हैं। कोई भी सभा हो उसमें से कोई एक लीडर चुना जाता है, कह देंगे हम लीडर, तो उसमें से लीडर चुना जाता है, उसी को सभापति कहते हैं। और अध्यक्ष किसे कहते हैं, जो निश्चित अवधि के लिए किसी अवस्था द्वारा चुनाव किया जाता है वह सदस्य अध्यक्ष होता है, यह सभा की अध्यक्षता करता है। अध्यक्ष जो चुनाव द्वारा निश्चित समय के लिए चुना जाता है उसे अध्यक्ष कहते हैं। उसका यानी सीमा है आई, सभापति का सीमा नहीं है। तो एक और बता दें इस तरह में, उपयोग और प्रयोग में अंतर क्या है। उपयोग, जो चीज का इस्तेमाल केवल एक बार करें उसे उपयोग कहते हैं, और जो चीज का इस्तेमाल लगातार करें, यानी बारी बारी से मैंने करते रहें, बार बार करें, तो उसको प्रयोग कहते हैं। जैसे हमारा स्कूल बैग है, तो स्कूल बैग का हम प्रयोग कर रहे हैं, उपयोग नहीं कर रहे हैं। जैसे हमारा है टिश्यू पेपर, कान नाक पोछने वाला, हाथ पोछने वाला, टिश्यू पेपर का केवल एक बार उपयोग करेंगे, न कि बार बार। ऐसे मांग चलिए जैसे हमारा बर्तन है तो उसका प्रयोग करेंगे, उपयोग नहीं करेंगे। उपयोग करेंगे जैसे मैं मांग चलिए किसी खराब काम हो गया, चाहे मांग चलिए हमारा भोजन हो गया, तो उसका उपयोग, न कि उसको बार बार खाएंगे, केवल उसका उपयोग करेंगे, एक बार ही खाएंगे, एक बार के बाद मतलब वो खाने लायक नहीं रहेगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो आज के अच्छा लगा हो तो इस वीडियो पर लाइक ज़रूर करिए, तभी मेरे मेहनत के फल प्राप्त होगा। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। सबको हैप्पी न्यू ईयर। ओके, गुड बाय।